बेस्ट ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। ये लॉकडाउन लगाया गया है, ये एहतियात के तौर पे अच्छी बात नहीं है। ये व्यापारियों को और दुख दे रही है, क्यों भगदड़ मच जाती है। साथ बजते ही ऐसी भगदड़ मचती है रोड के ऊपर कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग दुकान का होता है। कोई 7:30 बजे मंगल करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई 7:45 बजे करता है, तो क्या पब्लिक बटी हुई रहती है उसमें, और इसमें पब्लिक एक साथ हो जाती है 7 बजे रोड के ऊपर, तो ट्रैफिक इतना हो जाता है, एक्सीडेंट होने के खतरे खूब है। एक दूसरे के ऊपर गाड़ी भगाते हैं, और जिनमें भी यही परिस्थिति है। पब्लिक आती है, थोड़ी कम आ रही है वैसे, ये जब से लॉकडाउन लगा है जब से पब्लिक बाजार में कम हो गई। ये लॉकडाउन से कोई बीमारी का कोई बीमारी तो बढ़ रही है, अपने बीमारी तो घट नहीं रही है। लॉकडाउन से कोई बीमारी घटेगी नहीं। बहुत लोगों पे क्या फर्क पड़ा है? गिराई तो भाई साहब देखो कोई फर्क नहीं है, गिराई तो आता ही नहीं है। ये लॉकडाउन सुन के तो 5 दिन से बाजार में पब्लिक कम आ रही है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार? सरकार को तो क्या कहेंगे, सरकार के तो सब बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, वो क्या सोच होती है उनकी, पब्लिक की तो कोई सुनती नहीं है सरकार। आम आदमी को परेशानी है, पब्लिक की कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको बस, मेरा नाम प्रहलाद। ये जो नाइट में कर्फ्यू लगाया, मेरा कहना तो गलत है, क्योंकि जिस हिसाब से कर्फ्यू लगाया आज की तारीख में व्यापारी वैसे ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। एक तो 9 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, और जो बाजारों में खरीदारी थी पब्लिक के पास पैसा वैसे ही नहीं है, और कर्फ्यू लगाने से और ज़्यादा मंदी आ गई, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। कर्फ्यू लगाने का मैं कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं है रात्रि का, क्योंकि जो मास्क नहीं लगा रहे उनके तो चालान सरकार काट नहीं रही है, गवर्नमेंट ये या प्रशासन वाले, और बिगैर मास्क के खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और उससे मैं तो ये कहता हूँ, अगर रात्रि कर्फ्यू की बजाय ज़्यादा अगर ध्यान मास्क वालों पे या इन पे दे तो सरकार बोले बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापारियों को अगर ये रात्रि कर्फ्यू 9 बजे तक की ढील दी जाएगी, 9 बजे तक अगर, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या दिन ब दिन रात में भी लगाने के बाद में केस बढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि रात्रि कर्फ्यू लगाने से केसों में तो कोई कमी आ नहीं रही है, और दिन पे दिन कोरोना की महामारी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैं तो सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि आप मास्क वालों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, और जो भीड़ धज्जियाँ उड़ा रही है, कोरोना की पूरी धज्जियाँ उड़ रही है, आप देख लिए शहर में खुलेआम यातायात बढ़ रहा है, भीड़ भाड़ इकट्ठे हो रही है, शादियों में 100 की जगह 200-300 लोग जा रहे हैं, तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि व्यापारियों के साथ। जो ये रात्रि साझ्य कर्फ्यू करा है ये बहुत गलत है, मेरा मानना बिल्कुल गलत है। ये नाइट का कर्फ्यू लगाया ये हम व्यापारियों के लिए बहुत ही गलत है। इसके कारण बहुत है, ग्राहक एक तो 5 बजे बाद बाजार में आना बिल्कुल बंद कर देता है, हम लोग का जो टाइम पीरियड हम लोग की 7 बजे से दूसरा काम करना चालू कर देते हैं, वो काम नहीं कर पाते, जो टाइम की हम लोग की ग्रिप थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सरकार को ये लगता है कि ये टाइम से कर्फ्यू, ये टाइम का कर्फ्यू लगाने से कि इनको कुछ कोरोना कम लगता है, तो कोरोना कुछ कम नहीं, कोरोना वही स्पीड से और बढ़े जा रहा है। इस कर्फ्यू का कोरोना से कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा, या तो कम्प्लीट लॉकडाउन करें या फिर इस टाइम लिमिट को ख़त्म करें। ये टाइम लिमिट हम व्यापारी को बहुत परेशान कर रही है टाइम, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से लेके जो हम लोग का टाइम था 9 बजे तक हम लोग जो व्यवसाय करते थे वही टाइम चलने दे, ये टाइम करने से हम लोग को बाजार में व्यापारी 5 बजे बाद बिल्कुल आना बंद कर देता है वो टाइम का, और जो 7 बजे का है वो 5 बजे तक का कर्फ्यू रह जाता है। कितना फर्क आ गया सेल का? सेल का बिल्कुल आधा फर्क आ गया है, जब पहले 100% थे अभी बीच में महीने भर पहले से, वो अभी बिल्कुल 50% रह गई है, और आने वाले समय में अगर ऐसे चलता रहे तो सावे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और पब्लिक बिल्कुल बंद हो जाएगी मार्केट में आना। क्या कहना चाहोगे सरकार? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि टाइम पूरा टाइम लिमिट जो पहले चलता था वही टाइम लिमिट करें, इस कर्फ्यू को रात्रि कर्फ्यू जो लगा रखे हैं ये 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का, इसको बंद किया जाए। धनंजय जैन।